वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ रोनित पटेल। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा फिफ्थ चैप्टर जो है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट। ठीक है, लास्ट टाइम एंड में ऐसा हुआ था कि वीडियो बंद हो गया था, थोड़ा टेक्निकल डिफ़िकल्टी की वजह से। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा थर्ड पॉइंट जो है आउटकम ओरिएंटेशन। अटेंशन टू डिटेल वाला पॉइंट चला दिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया पॉइंट जो है आउटकम ओरिएंटेशन, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी काम हो रहा है ना, तो एक गोल होना चाहिए, एक एम होना चाहिए। ठीक है, तो उसके रिलेटेड ही काम होना चाहिए। तो ये आउटकम ओरिएंटेशन वाला पॉइंट वही चीज़ दिखाता है कि हमारा जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा हो ना, तो वो आउटकम के ओरिएंटेड होना चाहिए। जो हमारा फाइनल गोल है उसके रिलेटेड होना चाहिए, उसके अलावा फालतू का कुछ काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट पहले भी मैं बहुत बार समझा चुका हूँ डिटेल में, तो इस बार मैं डिटेल में आपको नहीं समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद दो पॉइंट है, पीपल ओरिएंटेशन एंड टीम ओरिएंटेशन। तो ये दोनों पॉइंट भी आगे कहीं ना कहीं आ चुके हैं, पर फिर भी मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि क्या है। कि पीपल और टीम ओरिएंटेशन में ये होता है कि आपको अपनी जगह पे बैठे बैठे अकेले ही कुछ काम करना होता हो, ऐसा नहीं होता। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आप एक कोने में बैठ के सिर्फ अपना मतलब का काम किए जाओ, किसी और के साथ इंटरेक्शन ना करो, ठीक है, और किसी के साथ कम्युनिकेशन ना बनाओ, ऐसा नहीं चलता। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो एज अ पर्सन वो आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन बनाओ। इंडस्ट्री में क्या हो रहा है सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम हो रहा है, क्या सारा कुछ कैसा चल रहा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, आपको हर एक डिटेल पता होनी चाहिए, आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप तभी टिक पाते हो जब आपको सब कुछ पता हो कि वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपना काम रखते हो, आप अपने मतलब का ही सब देखते हो, काम जो भी है आप अपना काम कंप्लीट कर देते हो, उससे उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कुछ चलता है उससे आप कोई लेना देना नहीं होता। तो इस तरीके का एटीट्यूड एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चलता। ठीक है, यू हैव टू बी अ पीपल्स पर्सन, कि आपको लोगों के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है, आपको लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ती है, एक अच्छा माहौल बनाए रखना पड़ता है लोगों के साथ। ठीक है, एक अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखना पड़ता है। ओके, एक आइसोलेशन में आप नहीं रह सकते। तो यही चीज़ होती है पीपल ओरिएंटेशन और टीम ओरिएंटेशन में। एग्रेसिवनेस और स्टेबिलिटी वाले जो पॉइंट है ना, वो समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं तो उनको काम एक स्टेबल तरीके से करना पड़ता है। जो भी सारा कुछ काम हो रहा है वो एक स्टेबल तरीके से होना चाहिए। ठीक है, अनस्टेबिलिटी काम में नहीं चलती, कि आज थोड़ा काम किया और कल इच्छा नहीं हुआ तो कल हम काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, एक स्टेबिलिटी के साथ काम करना पड़ता है। तो स्टेबिलिटी में ये होता है, और एग्रेसिवनेस में तो हम सब जानते ही है कि जो भी हम काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो एक मोटिवेशन के साथ करना पड़ता है, एक स्पिरिट के साथ करना पड़ता है। ठीक है, तो वो एग्रेसिवनेस का पॉइंट है, तो वो हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे, एकदम कॉमन सी बात है। ठीक है, एक कॉमन सेंस होती है इन सारे पॉइंट को अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो हम ये वाले पॉइंट को रिपीट नहीं करेंगे। आगे हमारा जो नेक्स्ट है वो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट। तो ये वाला पॉइंट भी हम रिपीट नहीं करेंगे, ये सिर्फ रखा इसीलिए है क्योंकि ये पार्ट ऑफ द चैप्टर है कि कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है। ये सिस्टम कॉन्सेप्ट के अंदर सारा कुछ मैं एकदम डिटेल में पढ़ा चुका था। ठीक है, तो आप मेरा वो लेक्चर फिर से सुन सकते हैं, उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में कह दिया था कि क्या होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्या होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, उसका इफेक्ट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, वो सारा कुछ मैंने एकदम डिटेल में समझाया है। देन सो यू कैन चेक आउट दैट लेक्चर एंड यू कैन रिपीट दिस टॉपिक वंस अगेन, सो यू विल हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ वॉट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड वॉट इज इंटरनल एनवायरनमेंट एंड हाउ इट अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एम्प्लॉय मोरल। तो एम्प्लॉय मोरल के अंदर है ना, मैंने बाजू में एक इमेज रखा है जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि बेनिफिट्स ऑफ हेल्थी वर्क प्लेस, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी लेवल, रिड्यूस्ड स्टाफ टर्नओवर, इंप्रूव्ड कंपनी इमेज, रिड्यूस्ड एब्सेंटिज्म, इंक्रीज्ड एम्प्लॉय मोरल। ठीक है, तो इन सब से आपको क्या पता चलता है कि एम्प्लॉय मोरल मीन्स कि एम्प्लॉय का जो भी कोई वहाँ पे लेबर काम कर रहा है, जो भी वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है, जो कोई भी इंसान हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो उसका एक मोटिवेशन बना रहना चाहिए, एक ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए।
कि उस वो अगर ऑर्गेनाइजेशन में आए ना तो उसको काम करने का इच्छा हो, ठीक है। क्योंकि अगर एक मोरल मेंटेन नहीं रहता, एक मोटिवेशन मेंटेन नहीं रहता तो काम करने का मज़ा नहीं आता। और अगर वो इंसान काम करता है ना तो वो आउटपुट बराबर तरीके से नहीं दे पाता, एक क्वालिटी आउटपुट नहीं दे पाता, तो ये वाला प्रॉब्लम होता है। तो बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी वर्क प्लेस का कॉन्सेप्ट है ना, वो हम डायरेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का अर्गोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, ठीक है। कि अर्गोनॉमिक्स में क्या आता था कि एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए कि वो एक लेबर को या वर्कर को वहाँ पे काम करना कंफर्टेबल पड़े, उस तरीके का एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है, कि वो आउटपुट ज़्यादा दे सके, आउटपुट अच्छे क्वालिटी का दे सके। तो वो होता है एक बेनिफिट ऑफ हेल्दी वर्क प्लेस। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी लेवल, सीधी सी बात है, अगर एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन हाई होगा, ठीक है, तो वो आउटपुट अच्छे क्वालिटी के साथ दे पाएगा और एक बेहतर प्रोडक्ट बना पाएगा, एक बेहतर क्या बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट दे पाएगा। क्योंकि अगर उसका मोटिवेशन अच्छा है, उसका सेटिस्फेक्शन हाई है, तो प्रोडक्टिविटी लेवल ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का हाई होगा। और ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं कर रहा, ये ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं ना, ये सभी पे ये सारे पॉइंट्स लागू होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक समझने लायक जो पॉइंट है वो है रिड्यूस्ड स्टाफ टर्नओवर। अब इसके अंदर रिड्यूस्ड स्टाफ टर्नओवर में क्या होता है कि जो भी कोई वर्कर या लेबर आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसको, वो जो भी इंसान है ना उसका ख्याल रखना चाहिए कि अगर बार बार है ना ऑर्गेनाइजेशन में लोग आते जाते रहते हैं, बार बार जो है क्या बोलते हैं काम चेंज होता रहता है, जो भी अथॉरिटी है वो चेंज होती रहती है, ठीक है, तो बड़ा प्रॉब्लम आता है। एक लोअर लेवल मैनेजमेंट के लेवल पे अगर ये चीज़ ज़्यादा होती है ना तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि लेबोरियस वर्क मोस्टली कॉमन होता है कि क्या करना होता है, वो सिर्फ आपको लेबर को समझाना होता है। इसीलिए लेबर में ज़्यादा चेंजेस हो ना कि इंसान आते जाते रहते हैं तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता, पर जब मिडल और टॉप लेवल मैनेजमेंट की हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मिडल और टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो अगर वहाँ पे अथॉरिटी ज़्यादा चेंज होती रहती है तो जो एक चेन ऑफ कमांड मेंटेन रहना चाहिए ना, वो चेन ऑफ कमांड मेंटेन नहीं रह पाता। क्योंकि हर एक लोगों के हिसाब से काम करने की मेंटालिटी, काम करने का तरीका चेंज होता रहता है, ठीक है। हर एक इंसान की एक अलग मेंटालिटी होती है, हर एक इंसान का एक अलग तरीका होता है किसी भी काम करने का। तो अगर ये ज़्यादा चेंज होता रहते हैं, इंसान ज़्यादा चेंज होते रहते हैं ना, तो उसकी वजह से अथॉरिटी डेलीगेशन में प्रॉब्लम होता है, एक चेन ऑफ कमांड नहीं रह पाता, एक प्रॉपर स्पान ऑफ कंट्रोल मेंटेन नहीं रह पाता, ठीक है। सारा कुछ है ना एकदम हिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, सारा कुछ फॉर्मेटिंग बिगड़ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो रिड्यूस स्टाफ टर्नओवर का मतलब ही ये है कि जो भी कोई वहाँ पे काम कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने लोगों का ध्यान रखना चाहिए, उनको बराबर प्रमोशन देना चाहिए, उनको वेजेस बराबर देने चाहिए, ठीक है, उनको थोड़ा रेस्टिंग का टाइम देना चाहिए, उनसे काम बराबर तरीके से करवाना चाहिए, ओवरलोड नहीं देना चाहिए। अगर आप उनको ओवर टाइम करवा रहे हैं तो ओवर टाइम का एक्स्ट्रा अलाउंस देना चाहिए। तो ये सारा कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखना पड़ता है। तो ये वाली सारी चीज़ें ना ये रिड्यूस स्टाफ टर्नओवर के पॉइंट में आती है, ठीक है। इम्प्रूव्ड कंपनी इमेज, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने लोगों का ध्यान रखती है, अगर वो अच्छी प्रोडक्ट बनाती है, वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है, उसकी प्राइस एकदम रीजनेबल प्राइस है, ठीक है, वो रीजनेबल तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करती है, तो सीधी सी बात है कि कंपनी की इमेज अच्छी होती ही है। अगर हम अच्छी कंपनी की बात करें तो टाटा कंपनी की इमेज ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छी है, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज़ का भी अच्छी ध्यान रखती है और वो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी अच्छी मार्केट में बनाती है, ठीक है, और वो हमारे देश को लॉयल है एकदम कंपनी, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो एक कंपनी की इमेज हुई कि कंपनी की इमेज किस तरीके से मेंटेन रखनी पड़ती है मार्केट में, वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस्ड एब्सेंटिज्म, अब जो कोई भी लेबर या वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है ना, तो वो उसको है ना कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है ना काम करने का मज़ा आना चाहिए, उसको काम करने का इच्छा होना चाहिए, उसको ऐसा अंदर से फील नहीं होना चाहिए कि यार आज तो काम करने के लिए जाना ही नहीं है, कंटाला आता है वहाँ पे काम करने का, ठीक है, आज तो काम ही नहीं करना जाके, आज तो घर पे बैठे रहना है, आराम करना है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ही ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि एम्प्लॉय को अपने घर जैसा फीलिंग आए, ठीक है, एम्प्लॉय को एकदम वो काम करने के लिए आ रहा है ना उसको वैसा लगना ही नहीं चाहिए, वो एक अपना घर छोड़ के दूसरे घर पे ही आ रहा है, और वो उसको एक ऐसा माहौल होना चाहिए कि उसको एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है, तभी हम एब्सेंटिज्म को रिड्यूस कर सकते हैं, वो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंट नहीं रहेगा।
क्योंकि माहौल ज़्यादा ख़राब होता है, माहौल ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है ना, तो इंसान को वहाँ पे जाने का इच्छा नहीं होता। तो हमें ये सारा कुछ है ना ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखना चाहिए कि एब्सेंटिज़म कैसे वो जो लोगों का एब्सेंटिज़म है वो कैसे रिड्यूस करें। ठीक है, इंक्रीज्ड एम्प्लॉय मोरल है, ये वाला पॉइंट मैं फिर से नहीं समझाऊंगा। ये जितना भी कुछ मैंने सारा कुछ समझाया ना उसके अंदर ये चीज़ कवर हो गया। ठीक है, कि एम्प्लॉय का जो मोरल है, एम्प्लॉय का मोटिवेशन है, वो कैसे मेंटेन रखना चाहिए। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग मोरल। तो लीडरशिप, तो लीडरशिप वाला पॉइंट मैंने पहले भी कवर कर लिया था, तो ये हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे कि एक लीडर कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए। ठीक है, उसको लीडरशिप निभाना कैसे आना चाहिए, ये सारा कुछ मैंने पहले समझा दिया था। स्ट्रेस वाला पॉइंट समझाने की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेटर्स, मोटिवेशन वाला पॉइंट आगे आ गया, वो भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी ऑफ टूल्स, तो टूल्स वाला पॉइंट भी सबसे पहला जो इमेज था, ठीक है, फर्स्ट वाला इमेज था, उसके अंदर मैंने समझा दिया था। और प्रिपेयर्डनेस, ये हर एक काम करने के लिए है ना मोटिवेशन होना चाहिए। हर एक काम करने के लिए जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन के है, जो भी लोग काम कर रहे हैं, तो उनका एक प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी नया चेंज करते हैं, कुछ भी नया हम काम शुरू कर रहे हैं, या नया कुछ प्रोडक्ट बनाना शुरू कर रहे हैं, या कुछ भी नया चेंजेस ला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं ना, उसके लिए एक प्रिपेयर होने चाहिए। उसके अंदर है ना थोड़ा एग्रेसिवनेस दिखाने चाहिए, उसके अंदर थोड़ा मोटिवेशन वो दिखाने चाहिए कि नहीं नहीं वी आर एग्री, ठीक है, हम लोग प्रिपेयर है ऑर्गेनाइजेशन जो भी बोलता है वो करने के लिए। ठीक है, तो ये प्रिपेयर्डनेस होता है। इसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी को हम बोलते हैं रेशियो, किसका रेशियो, आउटपुट और इनपुट का रेशियो, कि हम जो भी इनपुट देते हैं और उसके बाद हमें कुछ आउटपुट मिलता है, तो वो हमें कुछ प्रोडक्टिविटी हमने किया, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, हमें कुछ प्रोडक्ट मिलता है, रॉ मटेरियल हम इनपुट में देते हैं और आउटपुट में हमको कुछ प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये होता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट मैंने सिस्टम कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत मैं समझा चुका हूँ आपको ऑलरेडी। ठीक है, पर फिर से हम थोड़ा देख लेते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या होता है। आप डायग्राम देख सकते हैं कि ऊपर लेबर और कैपिटल को मैंने इनपुट में दिया है, और आउटपुट में थोड़े प्रोडक्ट के इमेजेस दिखाए गए हैं, वो स्टेथोस्कोप है, बुक्स है, ट्रक है, लैपटॉप है। तो आपको डायग्राम में से थोड़ा पता चल रहा होगा कि प्रोडक्टिविटी क्या होता है। तो अब प्रोडक्टिविटी में आपने डायग्राम देख लिया होगा। ठीक है, तो अब प्रोडक्टिविटी का कैसा है कि प्रोफेसर एल्टन मेयो ने ऐसा कहा था कि रिलेशनशिप बिटवीन मोरल एंड प्रोडक्टिविटी आर हैविंग थ्री टाइप्स। ओके, उसके तीन टाइप होते हैं कि पहला है प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, दूसरा है हाई मोरल लो प्रोडक्टिविटी, और तीसरा है लो मोरल और हाई प्रोडक्टिविटी। अब प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में किस टाइप का होता है कि मोरल और प्रोडक्टिविटी है ना दोनों एक समान होते हैं, कि वहाँ पे काम करने वाले लोगों का मोटिवेशन एकदम अच्छा है, मोटिवेशन एकदम हाई है, और वो लोग है ना क्या कहे प्रोडक्टिविटी एकदम हाई दे रहे हैं, जो कुछ भी वो आउटपुट दे रहा है ना वो आउटपुट एकदम हाई है, मतलब 50-50 है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि मोरल जैसा है वैसा ही प्रोडक्टिविटी है, दोनों चीज़ एकदम बैलेंस में काम कर रही है। दूसरा है हाई मोरल एंड लो प्रोडक्टिविटी। तो अब ये वाला पॉइंट ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं ना उनका सेटिस्फेक्शन बहुत हाई है, उनका मोटिवेशन एकदम हाई है, उनका मोरल हाई है, उनका एग्रेसिवनेस एकदम हाई है। ठीक है, पर वो लोग क्या करते हैं कभी कभी कुछ लोग, कि उनको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, उनको एनवायरनमेंट उनको एकदम कंफर्टेबल होता है। मोस्टली इस टाइप का सिचुएशन है ना टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोगों के साथ होता है, मिडल लेवल मैनेजमेंट और बॉटम लेवल मैनेजमेंट के लोगों के साथ ये वाला जो एक माहौल होता है, ये जो एक सिचुएशन होता है, ये वाला उनके पास हो नहीं पाता कि हाई मोरल एंड लो प्रोडक्टिविटी। तो उन लोगों को सैलरी ज़्यादा मिलता है, उन लोगों को सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है ना, तो टाइम के साथ ऐसा होता है कि वो लोग एक ऐसा कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो लोग है ना बाद में इफेक्टिव तरीके से आउटपुट नहीं दे पाते, वो है ना ठीक तरीके से काम नहीं करते, वो अपने पोजीशन को फुल एंजॉय करते हैं, वो अपने पोजीशन का फुल फ़ायदा उठाते हैं, वो अपना जो काम है ना वो भी दूसरे लोगों से करवाते हैं। तो इस तरीके का कुछ सिचुएशन होता है हाई मोरल और लो प्रोडक्टिविटी में।
बाद में लो मोरल और हाई प्रोडक्टिविटी में कैसा होता है कि अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हम मिडल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट के लोगों से डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं कि उनको है ना सैलरी कम मिलता है। एक तो कि वो लोग है ना काम ज़्यादा करते हैं पर सैलरी उनको मिल नहीं पाता, ठीक है, सैलरी बहुत कम मिलता है, इसीलिए क्या होता है उनका मोटिवेशन बहुत कम होता है, उनका मोरल बहुत कम होता है, पर उनको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देना पड़ता है। क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं देते ना तो फिर उनका सैलरी काट देते हैं और इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन उनको परेशान करती है। तो ये वाला पॉइंट हम डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं बॉटम लेवल मैनेजमेंट और मिडल लेवल मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उनसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन लेवल मैंने आपको समझाए कि प्रोडक्टिविटी में, कि एक तो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप कि जैसा मोटिवेशन है जैसा मोरल है वो लोग उतना प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, उतना ही आउटपुट दे रहे हैं। एक हो गया हाई मोरल लो प्रोडक्टिविटी और दूसरा हो गया लो मोरल और हाई प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट है मोरल और प्रोडक्टिविटी रिलेशनशिप। अब ये मैंने समझा दिया आपको, ये फिर से समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक इमेज रखा है तो वो आप समझ सकते हैं कि ऊपर हाई प्रोडक्टिविटी नीचे लो प्रोडक्टिविटी, लेफ्ट साइड हाई मोरल है लेफ्ट राइट साइड लो मोरल है। हाई मोरल हाई प्रोडक्टिविटी एक अच्छा सिचुएशन होता है, लो मोरल हाई प्रोडक्टिविटी सिचुएशन अच्छा हो सकता है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वाला सिचुएशन लो मोरल हाई प्रोडक्टिव वाला ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होता है पर वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं ना उनके लिए अच्छा नहीं होता। उसके बाद है लो मोरल लो प्रोडक्टिविटी। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये ना तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होता है ना तो वहाँ पे जो काम कर रहे हैं लोग उनके लिए अच्छा होता है। और उसके अलावा जो पॉइंट है हाई मोरल लो प्रोडक्टिविटी, तो ये वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा होता है पर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये पॉइंट अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो ये मैंने एक ऊपर से आपको समझा दिया, ऊपर ऊपर से एक ओवरव्यू हमने ले लिया कि किस तरीके का सिचुएशन में हम ये वाले पॉइंट्स को हम डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन से पॉइंट से किसको बेनिफिट होता है और कौन से पॉइंट से किसको लॉस होता है ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन, कि जो भी वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनको अपने जॉब का एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ठीक है। हाई सेटिस्फेक्शन होता है तो हाई प्रोडक्टिविटी होता है, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता और यही वाला चीज़ मैंने आपको आगे समझाया, ठीक है। तो हम ये वहाँ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिए गए हैं तो वो हम पॉइंट्स देख लेते हैं कि मेंटली चैलेंजिंग वर्क प्लस सपोर्टिव कलीग्स प्लस सपोर्टिंग वर्किंग कंडीशंस इक्वल्स टू इक्विटेबल रिवॉर्ड्स प्लस पर्सनालिटी जॉब फिट इक्वल्स टू जॉब सेटिस्फेक्शन। कि ये सारा कुछ अगर हम समेशन करें, ये जितने भी पॉइंट को हम समेशन करें तो इक्वल टू हमें जॉब सेटिस्फेक्शन है किसी भी इंसान को, ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर ये सारा कुछ एक इंसान को ऑर्गेनाइजेशन में मिले तो वो ऐसा बोल सकता है कि भाई मैं अपने जॉब से सेटिस्फाइड हूँ। कि पहले तो उसका काम जो है वो मेंटली चैलेंजिंग है, मतलब उसका कुछ स्किल डेवलपमेंट होने वाला है, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने वाला है, उसको कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़ेगा जिसकी वजह से क्या होगा उसका कुछ डेवलपमेंट होगा। सपोर्टिव कॉलिग्स, काम हार्ड है बराबर, हमने ये मान लिया कि काम हार्ड है पर हमारे कलीग सपोर्टिव है, वो लोग हमें काम सिखाएंगे, वो हमें डेवलप होने में मदद करेंगे, तो यही वाला एक डिज़ायरेबल कंडीशन होता है सपोर्टिंग वर्किंग कंडीशन। आजू बाजू का जो भी माहौल है, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, जो भी वहाँ पे टूल्स इक्विपमेंट्स है, सारा कुछ एकदम सपोर्टिंग वर्किंग कंडीशन है हमारे लिए, ठीक है। तो ये भी एक एडवांटेज हो गया। इक्विटेबल अवार्ड्स, की हम जितना भी काम करते हैं ना उतना सेम टू सेम हमें रिवॉर्ड मिल जाता है, उसके इक्वल हमें क्या है हमें रिवॉर्ड मिल जाता है, जितना काम करते हैं उतना हमें पैसा मिलता है, उतना सेटिस्फेक्शन मिलता है। पर्सनालिटी जॉब फिट, कि ये जो भी हम काम करते हैं ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो वो हमारे ईगो को सेटिस्फाई करता है, वो हमारे पर्सनालिटी को सेटिस्फाई करता है, तो ये वाला चीज़ इस पॉइंट में समझाया गया है, ठीक है। और अगर एक इंसान को ये सारा कुछ अगर मिलता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो एक जॉब सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, कि वो अपने जॉब से एकदम सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो आज हमारा ये जो टॉपिक था तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जॉब सेटिस्फेक्शन, और आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि हमारे इस चैप्टर में हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट थे जो हमें समझने थे, ठीक है। कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं थे, एकदम इजी वाले कॉन्सेप्ट थे, ओके। तो इसी के साथ हमारा ये फिफ्थ चैप्टर ख़त्म होता है, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।